लेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एक्स। मैंने आपको y इज इक्वल टू में एफ मॉड एक्स का ग्राफ मॉड एक्स के दौरान सिखा दिया था, तो आप पीछे देख कर समझ लें और मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर में मॉड एक्स का ग्राफ बना के बताएं अगले 50 सेकंड में, जिसमें 30 सेकंड आपके सर्च करने के और 20 सेकंड नया ग्राफ ड्रॉ करने के हैं। 30 सेकंड में अपनी कॉपी में सर्च कर लोगे ना क्या मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। हाँ भाई, कितने लोगों ने बना लिया? 50 सेकंड तो हो गए कब के। सीधी सी बात, फंक्शन में मॉड एक्स का ग्राफ बनाने के लिए पहले राइट हैंड साइड में ग्राफ बनाओ, मैंने बनाया था, सही है? राइट हैंड साइड में ग्राफ बनाओ, इस बहाने से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ खुद बनाएंगे। तो कई बच्चे जब अपने आप बनाते हैं ना पेपर में ग्राफ, तो उन्हें याद तक नहीं होता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ ओरिजिन से शुरू हुआ था कि ओरिजिन के ऊपर से, ठीक है ना? तो पहली धक्का तो वहीं लगता है। एनीवे, मैंने जैसे बताया था कि फंक्शन में मॉड एक्स का राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाओ और लेफ्ट हैंड में उसकी इमेज बना दो, तो जिस दिन मैं इसकी इमेज बनाऊंगा ये ऐसा बनेगा। समझ में आया आपको? नहीं आया? बिल्कुल कहानी पकड़ में आ गई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, पहला काम खत्म, ठीक है ना भाई? हाँ भाई, अब अगले पॉइंट पे आते हैं अपन लोग। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर है अपने पास में क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में किसी ने दे रखा है वाई इज इक्वल टू में रूट ओवर 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन में नीचे दे रखा है 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। क्वेश्चन वाला चाहता है इसका डोमेन बताइए क्या होगा। डोमेन के बारे में बात कर लूंगा मैं आपसे, आप तो मुझे बताइए पहले फॉर्म कौन सा है, कौन सा फॉर्मेट है ये? अंडर रूट एफएक्स वाले फॉर्मेट में क्या करते हैं? जो कुछ भी अंदर दिया होता है वो सब कुछ ग्रेटर देन जीरो। आज आप मतलब अच्छा, आप पहले थके हुए थे, आज आप जवाब दे रहे हो ना, है ना? साथ साथ जवाब दे रहे हो, दो दिन हो गए, अब आपकी थकान उतरी होगी, ठीक है? 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन में 3 माइनस मॉड एक्स, पहला काम क्या, मैं इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 2 अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 3 लिख दूं? ऐसा आप में से किसी की इच्छा तो नहीं हो रही मैं साइन चेंज करूं? दबा लिया आपने इच्छा, ठीक है? आपको यहां दो ब्रैकेट दिख गए, दोनों ब्रैकेट की डिग्री दिख गई, ऑड या इवन? वन वन है, ऑड है, सही है, नंबर लाइन पे आ जाएगा, एक तरफ से 2 एक तरफ से 3, 3 के ऊपर व्हाइट बॉल पहले से, प्लस माइनस प्लस सोच लिया आपने क्योंकि दोनों की डिग्री ऑड है। क्वेश्चन वाला ग्रेटर देन जीरो लेके बैठा है, माने मेरे को पॉजिटिव रखना है, मैं इधर जाऊंगा या उधर जाऊंगा, सही है ना भाई? तो मेरे पास में जो मेरा आंसर आएगा वो या तो 3 से बड़ा या 2 से छोटा, किसका क्या लिखूं बोलो? हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आइदर ग्रेटर देन 3 यूनियन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, सोच लिया? अगर बाय द वे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 3 है तो वापस वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज आ गया, सही है? मैंने जानबूझ के छोड़ रखा था ऐसा इंटीजर जो, याद आ गया, 3 शब्द मैंने बोला था, ऐसा इंटीजर जो, ठीक है, जो 3 से बड़ा हो, 3 से बड़ा बोले तो 4 फिर 5 फिर 6 एंड सो ऑन इनफिनिट तक, याद है? 4 लाने के लिए मेरे को 4 से 5, 5 लाने के लिए 5 से 6, 6 लाने के लिए 6 से इनफिनिट, तो मैंने मेरे x की वैल्यू कहां से चली? 4 से इनफिनिट, नहीं आया? अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं उधर की तरफ जाता हूं तो वापस पढ़ूंगा कैसा? ऐसा इंटीजर जो 2 या 2 से छोटा हो, 2 या 2 से छोटे में 2 भी शामिल है और 2 से छोटे में 1 फिर 0 फिर -1 एंड सो ऑन, पीछे से आई और रेलगाड़ी आ रही है उधर से, -1 के लिए -2, -1 से -0, 0 के लिए 0 से 1 दौड़ेगी, 0 लाना है तो 0 से 1 तक की वैल्यू, 1 लाने के लिए 1 से 0 2 तक की वैल्यू, 2 लाने के लिए 2 से 3 तक की वैल्यू को लेना पड़ेगा ताकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 दे दे, तो उस चक्कर में मेरे x की वैल्यू कहां से चढ़ी? 3 से छोटी इनफिनिट तक माइनस। फाइनली मेरे x का वैल्यू कहां से कहां तक आ गया, ये लिख देते अपन, x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? माइनस इनफिनिट टू 3 ओपन यूनियन क्लोज 4 टू इनफिनिट, श्योर है? कहानी पकड़ में आई? अब यही टाइप में एक और क्वेश्चन भी कराया जाता है जो कि एक्सट्रीमली पॉपुलर है और कई बार काम भी आता है, ठीक है ना? उसके ऊपर भी अपन बात करते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर का नहीं है लेकिन जगह सही है, सही है? उसके ऊपर बात करते हैं, दैट इज 1 माइनस 5 टू द पावर एक्स अपॉन में 7 टू द पावर माइनस एक्स माइनस 7 अंडर रूट इज ऑफ फुल लेंथ, सही है? अब ऐसे क्वेश्चन में देखा जाए तो आप में से हर एक जने के मन में एक ही मंशा होगी कि मैं 1 माइनस 5 टू द पावर एक्स अपॉन में 7 टू द पावर माइनस एक्स 7 को पॉजिटिव रखूं, राइट है? थोड़ा इज्जत से बात को करने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं 5 टू द पावर एक्स माइनस 1
अपॉन में 7 to the power माइनस एक्स माइनस 7 इज लेस देन इक्वल टू 0। सोच लिया सारे x आगे लिख लिए मैंने पॉजिटिव साइड में। अब मैं आपसे टर्निंग पॉइंट पूछ रहा हूं, ऊपर वाले का टर्निंग पॉइंट कैसे देखते हो आप? अगर यहां मैं आपसे पूछता हूं x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 तो आप कैसे बोलते हैं कि इसके लिए मैं x की क्या क्या वैल्यू लूं? 1 और 3। कैसे सोचा? 0 रख रख करके। तो सोचो ना वो 0 कब बनेगा? बनेगा ही नहीं या बनेगा? बनेगा। कब बनेगा? x इज इक्वल टू ऊपर वाला तो x इज इक्वल टू 0 पे बनेगा, ये माइनस 1 या 1 माइनस 1, क्योंकि माइनस और माइनस 1 प्लस का 1 7 टू द पावर 1 7 माइनस 7 0 नहीं आया आपको, तो टर्निंग पॉइंट इसका कितना आया? माइनस 1 और उसका कितना आया? 0। फिर से वही प्लस माइनस प्लस क्वेश्चन खत्म। ये किसको डिमांड कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि लेस देन 0 माने नेगेटिव। तो नेगेटिव कहां से कहां तक लगा? ये और नीचे वाले में 7 नहीं होना चाहिए, इसलिए इस पे व्हाइट बॉल, याद है ना 7 होते हैं इनफिनिट हो जाएगा ना अनडिफाइंड। तो मेरे लिए आंसर कहां से कहां तक हुआ? x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 0 ऐसे। आगे का नहीं पकड़ में, तो कई बार हमारे को ऐसे भी निभाना पड़ेगा क्वेश्चन। इस बहाने से कम से कम आप ये तो बोले कि टर्निंग पॉइंट कैसे सोचना है, खट्टाखट एकदम वही ऑन द स्पॉट। ये नहीं कि अपन इसको पहले एक्स में बदलेंगे, नेवर, ये गलती मत करना, बहुत लंबा जाएगा क्वेश्चन। सीधा सोच लो ना इसका टर्निंग पॉइंट ये रहा, इसका ये रहा। भाई इनइक्वालिटी तो हर जगह काम करेगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, थोड़ी सी देर के लिए मैं बाहर आया, वापस ग्रेटेस्ट इंटीजर में चलते हैं। हमने उस दिन तकरीबन 5 प्रॉपर्टीज करी थी, याद है आपको? उनमें से हमने 2 रिवाइज कर लिए हैं एक तरह से। राइट है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इफ ए इज ए डेसिमल नंबर, ए कॉमा बी आर टू डेसिमल नंबर, ठीक है ना भाई, एंड अल्फा इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस बी एंड बीटा इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर बी, सही है भाई? देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट अल्फा कॉमा बीटा। ए और बी अपने आप में 2 डेसिमल नंबर हैं, ए और बी अपने आप में 2 डेसिमल नंबर हैं। अल्फा ए प्लस बी का ग्रेटेस्ट इंटीजर है और बीटा ग्रेटेस्ट इंटीजर है प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर बी है, तो आप अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। अगर अल्फा बीटा आ जाए तो आपको नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी जिसके रूट्स अल्फा बीटा हो, सही है? सोचना चालू करते हैं, आओ अभी के अभी। पहली बात, आप में से कई लोगों के लिए बड़ा दर्द तो यह है कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं। डेसिमल नंबर जो डेसिमल हो, नहीं है, है ना। अब आपको अगर बाय द वे पकड़ में आ गया तो ठीक है, नहीं पकड़ में आया तो मैं बोल देता हूं डेसिमल नंबर जो फ्रैक्शनल नंबर हो। नहीं, अब आपको समझ में आ गया? नहीं, बिल्कुल वही फील आई जैसे कीचड़ से उठा के किसी ने कादे में डाल दिया। नहीं, क्या फर्क पड़ा, इधर से उधर वापस वहीं आ गए, नहीं आया, सही है कि नहीं? अब आपको लगा ये क्या है, ये तो वही है, मैं तो वहीं खड़ा हूं, मेरे को वो भी नहीं आता ये भी नहीं आता। फ्रैक्शनल वैल्यू माने मैंने पिछली बार कहीं बात करी होगी, नहीं तो करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा के दौरान बताया गया होगा, नहीं बताया तो मैं बता देता हूं। ऐसा नंबर जो 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, क्योंकि 0 होते तो इंटीजर हो गया, 1 होते इंटीजर हो गया, बीच के जितने भी नंबर होंगे सब डेसिमल में, 0.1, 0.2, 0.125, 0.19, 1092, जो आप बोलोगे, 1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर बोल लो, 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर बोल दो, सब डेसिमल ही डेसिमल है। नहीं समझ में आया? इतनी सिंपल बात तो समझ में उम्मीद आ ही रही होगी। तो इसका मतलब ये कि आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ए और बी दोनों कहां से कहां है, 1 से 0 में है। नहीं पकड़ में आया? अगर दोनों 1 से 0 में है तो मैं आपके लिए ये भी बोल देता हूं, इसका मतलब ए भी 1 से 0 में है और बी भी 0 से 1 के बीच में है, इसका मतलब ए प्लस बी 0 से 2 तक में है। क्या आप ये बात पकड़ गए? अब मैं छोटा चेंज करता हूं, अल्फा इज इक्वल टू में इसका मैक्सिमम, आओ बताओ ए प्लस बी का मैक्सिमम कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा
1.99, तो 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा प्लस बीटा का मैक्सिमम माने इनके सम का मैक्सिमम इज इक्वल टू 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज 1। और इतना तो पकड़ में आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया। नहीं यही बात, अब आपको दूसरे हमला किस पे करना है, इस पे। तो बीटा इज इक्वल टू सोचते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ए अगर खुद 0 से 1 में है तो कोई मेरे को बताएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ए कितना होगा? 0। इसमें क्या मैक्सिमम और क्या मिनिमम, कितने खींच लो 0 आना पक्का है, ठीक है ना। और बीटा कितना हो गया, बी ग्रेटेस्ट इंटीजर बी भी 0। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर बी इज इक्वल टू कितना, 0। अब अपने पास अल्फा कितना है 1 और बीटा कितना है 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बोले तो 1 इंटू एक्स प्लस 0। मैं ढंग से लिखता हूं, x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस, ठीक है ना, 0 इंटू 1। अभी भी नहीं है, 0 इंटू 1 क्यों लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा सम ऑफ रूट कितना है अल्फा प्लस, तो इसको भी ढंग से लिख दूं, कितना लिखना चाहिए बताओ मेरे को सही ढंग से, तो 1 प्लस 0, तो आंसर हो जाएगा x² माइनस x इज इक्वल टू 0। सही है, नहीं है, चले आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हमको पकड़ के रखने हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लिया हमने। हम ऐड दो भाई, ये अत्यंत साधारण प्रश्न है, ठीक है, बस हमारा क्या देखते ही दिमाग खराब हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि हमने कभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता। एक्चुअल में आप जब ढंग से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा एक ही चीज को बड़ा करके कैसे बात की जाती है। देते टाइम पे साधारण भी तरीके से दिया था, लेकिन इसने इसको छोटे तरीके से नहीं देने दिया। ये एक्चुअल में आपको टीच करना चाहता था, आपको मेंटली एक लेवल से ऊपर उठाना चाहता था कि आप बड़े क्वेश्चन को भी समझो और छोटा करो खुद। देखो ये कह रहा है फंक्शन ये लेना है जब ये ना हो, जब मॉड एक्स की वैल्यू 1/n ना हो तो ये फंक्शन है। उल्टा पढ़ो, जब मॉड एक्स की वैल्यू 1/n हो तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। अगर आप इसे छोटा करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि फंक्शन की वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड करती है, अगर मॉड एक्स की वैल्यू 1/n ना हो और अगर मॉड एक्स की वैल्यू 1/n हो। अगर 1/n हो तो आंसर इज 0, और अदरवाइज जब 1/n ना हो तो ये बड़ा गंदा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड एक्स, और 1/n में कितना 1/n मॉड एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसा कहानी पकड़ भाई। पहले तो आपने इस क्वेश्चन को छोटा करा, अब आप क्वेश्चन में आते हैं कि चाहता क्या भाई, चाहता क्या, ये कह रहा है दोबारा देखोगे तो आपको समझ आएगा। फंक्शन अगर ये है तो आप इसे 1/n x mod x की वैल्यू, जो 1/n नहीं है उस पार्ट की वैल्यू बताओ। कहानी पकड़ माई, माने अगला चाहता है कि इसकी वैल्यू बताओ क्या है, याद है कि कहानी पकड़ में आ गई। अब इसे कुछ ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आप तो बस सीधी सीधी बात बताओ, mod x की वैल्यू 1/n नहीं है, यहां तो पकड़ में आ गया, लेकिन अंदर है अंदर आपकी कहानी में mod x भी है और 1/mod x भी है। तो आप में से कोई बताएगा कि जिस दिन mod x की वैल्यू 1/n नहीं है उस दिन 1/mod x की वैल्यू n नहीं होगी? नहीं है, जब mod x की वैल्यू 1/n नहीं है तो फिर 1/mod x की वैल्यू n नहीं है। इतनी सिंपल बात तो पकड़ में आ रही है। अच्छा n माने क्या है,
एन मैंने नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है, मैंने वन अपॉन मॉड एक्स नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर कोई दो चार नंबर बताओ ना, कोई जैसे दो चार खुद भी अपने आप में नेचुरल नंबर है, नहीं है वो भी तो नेचुरल नंबर है, हाँ या ना? तो अगर देखा मान लीजिए कहने का मतलब मॉड एक्स अगर वन अपॉन मॉड एक्स दो नहीं है, इसका मतलब दो नहीं है, इसका मतलब कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि चलो दो नहीं है तो तीन हो जाएगा, दो तीन चार पांच पंद्रह पच्चीस जो जो भी आप नेचुरल नंबर के नाम पे बोल सकते हो कुछ भी नहीं है, कुछ भी कहानी में नेचुरल नंबर बिल्कुल कट है, कट कहानी पकड़ में आ गया आपको नहीं आई? इसका मतलब ये कि अगर भाई तो कोई दो तीन चार नहीं फिर क्या है, अरे बीच के नंबर है भाई, आप सोचते दो तीन चार नहीं तो माइनस दो हो जाएगा ना सर, अरे माइनस दो पे क्यों जा रहा तू, तू तो ये बीच में रहे ना, अगर कोई वैल्यू तेरे को मना कर दिया वन पे मत आना, तो इसका मतलब वन पे नहीं आना, टू पे मत आना, थ्री पे मत आना, सब पे, अरे ज्यादा भी जा रहा है तू इंटीजर पे तो मना करा, बीच की तो सारी वैल्यू खाली है नहीं है? इसका मतलब ये कि वन अपॉन अगर वन अपॉन मॉड एक्स एन नहीं है तो वन अपॉन मॉड एक्स इनके बीच का नंबर तो हो सकता है। अच्छा इनके बीच का नंबर जैसे मान लो ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, इसका मतलब ये कि नंबर 1.5, 1.6, 1.7, 2.5, 2.6, 2.7, 3.5, 3.6, 3.7 ऐसा कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना? मैं जितने भी एग्जांपल आपके सामने पटके वो सारे के सारे नॉन इंटीजर थे, अरे 2.5, 2.6, 2.7, 3.5, 3.6, 3.7, 4.5, 4.6, 4.7 ये सब क्या है? नॉन इंटीजर। इसका मतलब मॉड एक्स अपने आप में अगर एन नहीं है, इसका मतलब वन अपॉन मॉड एक्स अपने आप में नॉन इंटीजर है। मैं इस बात को लिख देता हूं, क्या लिखा मैंने, वन अपॉन मॉड एक्स कैसा है फिर नॉन इंटीजर है, ये बात पकड़ में आई? आप इसे नॉन इंटीजर या नॉन नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, मेरे लिए एक ही बात है, सही है? अच्छा जितने भी एग्जांपल मैंने रखे 2.5, 2.6, 2.7, 3.5, 3.6, 3.7 अगर वो नॉन इंटीजर हैं तो हर नॉन इंटीजर में अगर आप ध्यान से देखो 2.5 तो वो 2 प्लस 0.5 है, 2.6 2 प्लस 0.6 है, 3.6 3 प्लस 0.6 है, क्या ये बात समझ में आई? 4.7 4 प्लस 0.7 है, पकड़ में आ रही है अब ये बात? इसका मतलब ये कि हर नॉन इंटीजर में एक पार्ट इंटीजर है और एक पार्ट डेसिमल है, फ्रैक्शनल है, क्या आप ये बात पकड़ गए यहां तक? तो अब तो पकड़ में आ गई, इसका मतलब एक पार्ट इंटीजर है और एक पार्ट फ्रैक्शनल है, सही है? अच्छा बस अब आप लॉक होते जा रहे हो धीरे धीरे। इसका मतलब वन अपॉन मॉड एक्स अपने आप में एक पार्ट इंटीजर है और एक पार्ट फ्रैक्शनल है, माने अपने आप में एन प्लस एफ है, नहीं है? एन प्लस एफ है, ये बात पकड़ गए, एक पार्ट इंटीजर और एक पार्ट फ्रैक्शनल है, उसे मैं एन प्लस एफ कह दूं। अच्छा अगर मैंने ऐसा कह दिया तब आप क्वेश्चन में आ जाओ, अगर मैं क्वेश्चन में लेकर के चलूं तो आपको कौन सा बहुत बड़ी बात करनी थी, आपको तो बहुत छोटी बात करनी थी, बस क्वेश्चन खत्म। मॉड एक्स एंटो में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, बड़े ध्यान से आप ही जवाब दोगे, वन अपॉन मॉड एक्स की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूं, एन प्लस एफ लिख दूं। तो फिर मॉड एक्स ने कहा मेरे में क्या बुराई है, मैं वन अपॉन एन प्लस एफ हो जाता हूं, नहीं आया? तो मॉड एक्स ने कहा मैं वन अपॉन एन प्लस एफ हो जाता हूं, मैंने कहा मेरे क्या जा रहा है, सही है? अगर आपको ये बात समझ में आ गई, मैं इसको बता दूं मैं किसके बारे में बात कर रहा था, मैं मॉड एक्स इनटू में ग्रेटेस्ट इंटीजर वन अपॉन मॉड एक्स के बारे में बात कर रहा हूं, बात पकड़ में आ गई? जैसे ही हुआ आप बताओ एन प्लस एफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर एन, बात समझ में आ गई आपको? तो ये हो गया एन अपॉन एन प्लस एफ। अच्छा बताओ एन अपॉन एन प्लस एफ एक से एन में आप एन से जस्ट बड़ी वैल्यू का डिवाइड लगा रहे हो, तो आने वाला आंसर अगर एन होता, ये अगर एन होता तो आप कहते एक, और n प्लस एफ होते ही एक से छोटा, और एक से छोटा होते ही कहां जाएगा, बस क्वेश्चन खत्म, लेस देन वन, लेस देन वन होते ही कितना आ गया जीरो। इसका मतलब इसका आंसर ये क्या है पता चला आपको, इसका मतलब ये कि फंक्शन में ये वाला आंसर एक्चुअल में दिखावटी है, आंसर तो क्या है ये जीरो, नहीं आई बात समझ, फंक्शन इज इक्वल जीरो, इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कब, जब मॉड एक्स इज नॉट इक्वल टू वन बाई एन। चले आगे, आप इस लेवल तक अपनी गाड़ी लगा लोगे ना, नहीं है ना, सीखने के बाद में तो लगा ही लोगे। अगले क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है,
हो गया, अगले क्वेश्चन आ जाओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए साहब, मैं ना तो रेंज की परवाह करूंगा ना मैं डोमेन की परवाह करूंगा। 13 के बालकों, सही है, डोमेन रेंज नाम तो सुना हुआ है, थोड़ी बहुत बातें सारी की सारी जानते ही हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन खटाखट कह सकते हैं गाड़ी को, ठीक है, और वियर्ड चल सकते हैं। वियर्ड माने आप कहीं भी जा सकता हूँ, ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे भी। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा परवाह नहीं करोगे, ठीक है। टाइटल आएगा तब तो देखेंगे देखेंगे, नो डाउट, तब तो टाइटल के बारे में बात करेंगे करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम टाइटल से बंधे कि वो टाइटल नहीं आया तब तक उस बारे में बात ना करें। हम तो हर बारे में बात करेंगे, राइट है। उम्मीद है आप में से कई लोग जानते हैं कि एक्स की वैल्यू 0 से 45 डिग्री है। बात समझ में आ गई। मैं आपके सामने पहली हरकत करता हूं, आप सोचना कि ये हमारी पहले कभी देखी है या नहीं देखी गई, हमने ये सब कभी देख रखा है, याद आ गया आपको या हैरान हो गया कोई कि ये कब हो गया? करा था पिछली बार, याद है, सब एक एक करके एक एक जने को बाहर निकालते चले गए थे, नहीं याद आया? तो ये पहला काम तो ये लिख लिया। लिखने के बाद में अब मैं आता हूं, आपको ये याद दिलाता हूं कि पहले 0 से 5/4, कई लोग संभाल नहीं पाते 5/4, उनके लिए 48 डिग्री लिख रहा हूं, सही है। आपको बताना चाहिए साइन एक्स की अगर बात करें, पहले सबसे पहले साइन एक्स को ले जाऊं, साइन एक्स 0 से 5/4 के दौरान साइन एक्स की खुद की वैल्यू 0 पर 0 और 5/4 पे 1/√2 तक जाती है। हाँ या ना? इससे ज्यादा आगे जा ही नहीं सकता। 1/√2 का मतलब लगभग 0 से लेकर के 1/1.414 होता है। मुझे पता है, मैं अगर आपको बोलूं 1/√2 कितना तो आप में से कई लोग तो सोचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं भाई, पहले ये सोचना बेटा, और जैसे ही आप डिवाइड लगाओगे 1/1.4 तो ये ऑलमोस्ट 0 से लेकर 0.707 जाएगा, नहीं है? तो साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के 0.707 है, और 0.707 के बीच की किसी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो ये तो भैया 0 आ गया। अच्छा, अब मैं आपको दूसरा धर्म संकट देता हूँ, ठीक है ना। मैं उठाना चालू करूँ ना दाम में से आधी क्लास उठ जाए, पता है, मैं अगर पूछना चालू करूँ आधी क्लास खड़ी कर दूं मैं, क्योंकि है ना, आप में से सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये कि जो आपने लिख लिया वो तो आप समझते हो अमिट हो गया, याद हो गया, याद, ठीक है। जबकि प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिस तो बहुत ही जरूरी है, भले कितनी बार याद हो, एक बार सुबह उठ कर दोबारा देख लो, भले 5 मिनट लगे, पूरी कॉपी दोबारा देखने में कितनी देर, जो देखा हुआ उसको देखने में कितनी देर लगती है, 5 मिनट। काम काम की बात हाईलाइट करके रखते ही हो आप, हाईलाइट लगा लो खटाखट खटाखट की ये काम की बात थी, वैसे ही आपको जब याद होगा तब याद होगा। रेंज इजिकल टू वाई इजिकल टू इमेज इजिकल टू हाइट इजिकल टू आंसर, नहीं याद आया तो मैंने इसका आंसर 0 लगा दिया, मैंने इस पार्टी की मैं रेंज दे चुका हूँ, नहीं आया? इस पार्टी की मैंने रेंज दे दी, नहीं है रेंज, मैंने आंसर, मैं आंसर निकाल रहा हूं। अब तब तक आता हूं कॉस एक्स पे, आपका एक्स 0 से 45 है तो कॉस 45 1/√2 कॉस 0 1 होगा, सोचो, तो उस दौरान कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 से 1 तक जाएगी, और आपको पता होगा 1/√2 से 1 होने का मतलब 0.707 से 1 तक जाएगी। क्या 1 टच हो गया? क्या नहीं हुआ ना, इसका अंदर 1 से जरा सा भी कम रह गया तो कम तो कम ही है, और 1 से कम होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका भी आंसर आ गया 0, नहीं है? अगले बात आता हूं 10x की बात करूं, क्या आपको स्ट्राइक कर रहे हैं 10x 10 0 0 और 10 40 1 टच हुआ क्या? तो 0 से 1 के बीच ही रह गया, 0 से 1 के बीच की किसी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। अब आ जाते हैं sec x पे, राइट है ना भाई? अब आप दिमाग लगाओ sec x, आप बताएगा कोई बच्चा sec 0 1 sec 45 √2 0 से लेकर के कहां तक? 1.414 तक। तो 0 से 1 के पहले तक का तो 0, 0 से 1 से पहले तक का 0, तो इसका मतलब ये कि अपनी तरफ से दो आंसर दे रहे हैं 0 और फिर 1 के आगे का 1, नहीं यही बात पकड़ में? इससे पहले वाले लोग क्या हैं? 0, तो आपको पता चल गया 0 0 0 में जुड़ा 0 और 0 1 में जुड़ा 1, तो इसका मतलब ये कि इसकी रेंज क्या है? या तो 0 या फिर 1, नहीं यही बात पकड़ में? कहानी पकड़ में आई? 0 से लेकर के, लेकिन अगर ओवरऑल पूछेगा कि कितना आंसर आया तो 1 बोलूंगा, पकड़ में नहीं आया? अगर ओवरऑल पूछेगा कितना आंसर दे दिया तो मैं 1 बोल दूंगा, रेंज इज गुड 1, लेकिन अदरवाइज आंसर 0 और 1 दोनों है, सही है ना? तो आंसर 0 भी है और 1 भी है। क्या आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई? अब मैं अगले क्वेश्चन में चलता हूं, जो कि कंपैरेटिवली इसी लेवल पे ही चलेगा लेकिन इससे थोड़ा अच्छा होगा, सही है? आ जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो आप जितनी अच्छी बॉलिंग करें उतना ज्यादा आप सब्जेक्ट सीख रहे होते हैं, नॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके सिवा बहुत सोच रहे होते हैं।
अगला क्वेश्चन लगा दिया, कितना होगा? हाँ, वन से रूट टू। देखो अपने गलती कर दी ना, टेन एक्स अपने आप में वन से रूट टू, वन बोल के जीरो लिखा था, इसलिए दो दो आंसर दिख रहे थे मुझे, ठीक है। लेकिन मेरे को एक बात बहुत अच्छी लग गई कि मेरी सी गलती से भी एक ऐसी गलती हुई कि क्वेश्चन में आपकी तरफ से क्वेश्चन आता, उल्टा मैं ही बता गया, मैंने इसको वन बोला लेकिन लिखा जीरो था। अरे sec 0 1 होता है, बोला था ना, लेकिन मैंने यहां जीरो लिख डाला, तो 0,1 आया। 0,1 आने पर मेरे पास दो दो आंसर थे, तो मैंने दोनों को लिया है, लेकिन अब मेरे को पता चल रहा है कि sec 0 1 होता है ओरिजिनली, तो मैं अपनी गलती ठीक कर रहा हूं। अब ये 1 से रूट टू है, 1 से रूट टू के बीच का किसी भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर ओनली 1 होगा, तो अब आंसर भी सिर्फ एक ही आएगा। अभी आया आपको समझ में? लेकिन मेरे लिए बाय चांस एक ऐसी गलती जो आगे आने वाली क्वेश्चन के लिए मेरे लिए मील का पत्थर होगी। देखा आप, देखे साहब पहला काम कर रहा हूं, आप बताना कि मैं क्या कर गया। रेडी? सोच रहे हैं आप, 1+2+3 से लेकर के n तक अलग आ गए हैं, सोचना क्यों। पहले नंबर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में sin x है, दूसरे नंबर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में sin x by 2 है, तीसरे नंबर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में sin x by 3 है, और लास्ट वाले में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर sin x by n है। नहीं, यही बात समझ में? अब आप अगर यहां तक की बात समझ गए तो आप में से कई लोगों को पता चला होगा 1 से लेकर n तक का सम n into n plus 1 by 2, यहां तक की बात पकड़ में आ गई आपके? तो ये वाली पार्टी तो खत्म। अब आपको दोबारा ऊपर लेके चलता हूं, x की वैल्यू कहां से काम है? 0 से पाई, राइट है। अब आपके लिए काम काम की बातें यहां चालू होती है। 0 से पाई के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x का ग्राफ कैसा होता है? जो पिंक कलर से बनाऊंगा वो sin x का ग्राफ होगा, और जो व्हाइट कलर से बनाऊंगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x का होगा। 0 से पाई के दौरान sin x का ग्राफ ये रहा, सोच लिया आपने, जिसमें ये 0 को टच नहीं कर रहा, पाई को टच नहीं कर रहा। कैसे पता? दिख रहा है? नहीं है। अब आपको ये पता चल रहा हो तो आपको दोबारा बताता हूं, इस पूरे 0 से पाई के दौरान ये ग्राफ टॉप से टॉप कहां तक गया? 1 तक। टॉप से टॉप कहां तक गया? 1 तक। तो कितने पॉइंट हैं जो 0 से पाई के दौरान 1 तक पहुंच गए? 1, उसका नाम पाई बाय 2। पाई बाय 2 को छोड़ के बाकी कोई और 1 तक तो नहीं गया, तो ठीक एक पॉइंट जो होगा वो 1 है। दिख रहा है? जो 1 पर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहेगा, और जो 1 से जरा सा भी कम हुआ, हल्का सा भी कम हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसे कहां खींचेगा? 0 पर। तो ये बिल्डिंग गिरनी चालू होगी, और कहां गिरेगी? 0 पर, लेकिन एक पॉइंट ऊपर रह जाएगा। दिखा आपको? नहीं दिखा, कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? तो आपका ग्राफ ये बना। तो कहने का मतलब व्हाइट कलर की लाइन कितने आंसर दे रही है? 2, या तो 0 या फिर 1। नहीं है, सिर्फ 2 ही आंसर है। ये बीच में कोई ये ग्राफ थोड़ी ना है, तो हमारा ग्राफ या तो कहां है? 1 पर, या फिर कहां है? 0 पर। तो मेरी तरफ से सिर्फ 2 आंसर आए हैं। कौन से? प्लस के अंदर आइदर इट इज 0 स्पेसिफिकली या फिर 1। याद है कर्ली ब्रैकेट माने स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली 0 और 1, पकड़ में आया? अब अपन चलते हैं 0 से। अब अगला ग्राफ हम लोग किसका खींच रहे हैं? साइन एक्स बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। पहले आपसे पूछ लो, एक्स बाई 2 खुद कहां से काम है? एक्स कहां से काम है? तो एक्स बाई 2 कहां से काम है? 0 से पाई बाई 2 में। तो अपन साइन एक्स का ग्राफ खींचे 0 से पाई बाई 2। आप ही बताइएगा, सही है, आप ही बताना, 0 से पाई बाई 2 में ग्राफ खींचा कभी साइन एक्स का? नहीं। आपको बताया 0 को टच? अच्छा, पाई बाई 2 को टच? तो जो ग्राफ जाएगा वो यूं जाएगा, हाँ या ना? और पाई बाई 2 से पहले रुक जाएगा? पाई बाई 2 से पहले रुक जाएगा। अगर पाई बाई 2 तक पहुंच जाता तो 1 दे देता, लेकिन ये पाई बाई 2 तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब 1 से कम रह गया। 1 से कम रहते ही 1 से कम होते ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कहां आएगा? 0 पर। क्या आप कहानी पकड़ गए? माने ग्राफ का आंसर कितना आया? ओनली 0, नहीं है? तो sin x by 2 का ग्राफ कहां से कहां तक गया? 0 से पाई बाई 2, और आंसर कितना दे गया? 0। अगले वाले में चलते हैं, sin x by 3, कोई मेरे को बताएगा x by 3 खुद कहां से कहां तक जाएगा? 0 से पाई बाई 3, क्या ये बात सही है? 0 से पाई बाई 3 के अंदर दिमाग लड़ाओ, आओ। 0 से पाई बाई 3 में ग्राफ तो और कम रह गया, आगे जाता लेकिन ये तो पाई बाई 3 तक ही अटक गया। पाई बाई 3 तक पहुंचेगा तो बताना सब कभी 1 टच होगा? तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसका मतलब इसका ग्राफ सारा नीचे यहां बनेगा 0, तो इसका आंसर भी कितना? 0। अच्छा बताइए, आगे जाऊं या समझ जाऊं? क्या समझे? 0। तो आंसर बोलिए कितना आया, ओवरऑल आंसर कितना आया? 1 नहीं, 0
जीरो की जगह जीरो और वन की जगह वन, दोनों में जीरो जीरो जीरो, अरे ये सब तो जीरो बन गए ना, ये सब तो जीरो बने, जीरो जीरो दोनों सब में जुड़ा, तो जीरो प्लस जीरो जुड़ा तो कितना आया जीरो, और वन में जीरो जुड़ा तो वन, और आगे कौन बैठा है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, गलती से भी गलती मत कर देना, सही है, दो है तो दो दिखाऊंगा मैं, मैंने वहां तक भी दो दिखाए थे, वो तो बाई चांस मुझसे गलती हो गई थी, मेरे को दो दिख रहे थे बकायदा, तो मैं जीरो में भी ये जोड़ूंगा और वन में भी जोड़ूंगा, बताओ आंसर क्या क्या है, कितना एन इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमा, अगला बोलो आप, तो अगला मैं बोलू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस थ्री बाई टू, सोच लेना आप, नहीं है क्लियर है, तो हमारे रेंज ये और ये, ये और ये, यहां से यानी ये और ये, दो ही आंसर, क्लियर है ना, अच्छा क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत कॉमनली बहुत फ्रीक्वेंटली आपके पेपर्स वगैरह में कभी कभी आ जाता है टहलते टहलते, हाँ भाई मैंने कुछ और छोड़ दिया क्या, एन स्क्वायर प्लस एन, मैंने एक ज्यादा जोड़ लिया, सही कह रहे हैं ये बालक, ठीक है भाई चलिए आगे, ये कॉपी हो चुका था ना, चलिए कोई नहीं, हाँ भाई करूं इस पर बात, अगले क्वेश्चन में आइए, अब टाइम आया थोड़ा और लेवल को ऊपर करने का, मतलब जो लोग वहां दम तोड़ चुके हैं बस वो कैसे भी करके अपना अगला 15 मिनट और निकाल लें सांसें रोक करके, ठीक है, और बाकी लोग इधर आ जाएं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम लोग अब सीखेंगे, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा इसको और स्पेसिफिक कर लूं, ठीक है, इट इज जीरो, इट इज पाई, इट इज टू पाई, गैप बराबर है या ज्यादा हो गया है, मैं सामने से नहीं देख रहा हूं क्योंकि मैं यूं देख रहा हूं इसलिए मेरे को ये बराबर दिख रहा है, उधर वाला कम है शायद, बराबर है, ठीक है, हाँ देख लेना, मतलब आप ही को पता चलेगा, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया होगा, ठीक है, ये बोर्ड पे आने के बाद ही समझ में आता है कि अच्छा 3D का लोचे भी है, तो ये कितना 3π/2, पकड़ में आ गई बात, हाँ एक ग्राफ मैं बनाऊंगा दूसरा आप बनाओगे, मैंने ऊपर और नीचे और पहले से तैयारी करके रख ली है एक ही टाइम पे स्पॉन्टेनियसली दो काम करने की, राइट है भाई, पहले ग्राफ की तैयारियां हो चुकी हैं, दूसरे ग्राफ के लिए भी आप यहां तैयारी करेंगे बाद में, है ना, जरा समझना है, मैं ऊपर बना रहा हूं वाई इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2cos x का ग्राफ, राइट है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2cos x का ग्राफ बनाने के लिए पहले 2cos x का ग्राफ बनेगा पिंक कलर की चौक से, फिर वो गिरेगा व्हाइट कलर की चौक, असली आंसर देगी व्हाइट कलर की चौक ही आंसर है, बात समझ में आ गई, हाँ भाई 2cos x का ग्राफ के लिए मैं आपको बता देता हूँ, 0 से π/2 के अंदर ग्राफ जो होता है, ठीक है ना, अच्छा 0 से π/2 में ग्राफ यूं गिरेगा, देख लिया आपने, फिर नीचे तक आएगा, फिर वापिस जाएगा और ये वापिस यहाँ टच हो जाएगा, ठीक है भाई, उम्मीद है आपको पता होगा क्योंकि 2cos x इसलिए 2 तक गया था, ये जगह 0 है और ये जगह -2 है उसी टाइम पे, सोच लिया आपने, ये जगह -2 है, -2 से 2 तक जाते समय उसने कितने इंटीजर क्रॉस करे, -2, फिर बीच में कहीं पे -1, सही है, फिर उसने बीच में कहीं पर 1, फिर वो 2 पे पहुंचा है, ये बात आपके समझ में आ गई, तो पहले अच्छे से बाइफोकेशन समझ लेना भाई, इतने इंटीजर क्रॉस कर रहा है सर, ये लेवल आएंगे, ठीक है, अब आगे की सुनो, हर लेवल का पता होना चाहिए कहां कहां कौन कौन आएगा, जैसे कोई आपसे पूछ ले कि बता भाई -1 कहां रहा है, तो ऐसे फैलना नहीं है, मैं कैसे बता दूं, अरे किसका ग्राफ है 2cos x का, तो 2cos x बताएगा, तुमको थोड़ी ना बताएगा, 2cos x को रख -1 के सामने, खुद बता के जाएगा, नहीं है, जैसे आप यहां रखोगे आप में से कई बच्चे समझ जाएंगे cos x = -1/2, 120° आ गया, सोचना, जिन्हें cos x की टेबल याद होनी चाहिए, ये नहीं कैसे ही याद हो जाएगा, cos x = -1/2 माने 120° माने x = 2π/3, समझ में आया, x = 2π/3 का मतलब भी समझो, अगर आप वैसे समझते हो तो वैसे और भी अच्छा है, ये जगह 2π/3 है, लेकिन सर यहां पे भी तो कट हो रहा है,
बिल्कुल यही सुनना है, ये जगह पाई है, हाँ ये जगह पाई बाय टू है, सही है ना। अगर ये पाई बाय टू है और ये वाली जगह क्या है, पाई है, दिख रहा है आपको, अगर ये पाई है तो ये पाई से पाई बाय थ्री पीछे, पाई से पाई बाय थ्री पीछे नहीं है। अगर ये पाई से पाई बाय थ्री पीछे तो ये पाई से ये वाली जगह पाई से पाई बाय थ्री, तो ये पाई प्लस पाई बाय थ्री है, इसे दुनिया वाले फोर पाई बाय थ्री बोल रहे हैं, नहीं है। तो आपको एक पता है तो अब आपको सब पता है, वो आप जैसे जैसे सिमेट्रिसिटी समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ये इतना पीछे वो उतना आगे, ये इतना आगे ये इतना पीछे, क्लिक कर रहे हैं आपको ये बात, अगर यहां तक पकड़ में आगे तो आगे चलते हैं। जैसे किसी ने पूछा cos x = 1 कहां होगा, ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट 1, दिख रहा है आपको cos x की वैल्यू 1 कहां होगी, तो आप क्या करोगे 2 cos x को सामने बैठाओ ना, ये खुद बताएगा। तो cos x = कितना है पाई बाय 3, सही है ना, 1 बाय 2 के जैसे, तो ये जगह पाई बाय 3 है, तो ये 0 से पाई बाय 3 आ गया। तो सोचो ये जगह कौन सी है, ये कौन सी लाइन है, अरे 2 पाई, तो ये 2 पाई से पाई बाय 3 पीछे है, तो ये 2 पाई माइनस पाई बाय 3 है। नहीं समझ में आ रहा आपके, समझ में आया, सिमेट्रिसिटी, वो पाई बाय 3 आगे वो पाई बाय 3 पीछे, आप तो सामने से देख रहे हो, सामने से देखने का अलग ही सीन होता है, मैं तो इधर से देख रहा हूं, यहां से साफ दिखता है ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है सर, ये इतना आगे ये इतना पीछे, नहीं है सही है। अच्छा ये अगर देखा जाए पाई बाय 3 से इतना आगे ये इतना इधर ये इतना इधर, पकड़ में आ गया। सबसे पहले तो जगह बताइए कौन सी कहां कहां कटिंग हुई, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन, बाकी ग्राफ ड्रॉ करना कौन सा मुश्किल है, जो दो पर है वो दो पर ही रह जाएगा, जो दो पर है वो दो पर ही रह जाएगा, जो दो से जरा सा भी कम हुआ वो सब आके कहां गिरेगा, वन पे, देखिए आपको ऐसे आके वन पे गिर जाएगा। ये वाला पॉइंट क्योंकि ऊपर रह गया इसलिए मुझे इसके नीचे होल दिखाना पड़ेगा, राइट है। अच्छा जो दो पर है, जो वन पर है वो वन पे टाइटली कंट्रोल में रहेगा, जो एक से जरा सा भी कम हुआ, एक से कम ध्यान है ना, ये वाली लाइन एक है, एक से कम होते वो कहां गिरेगा, जीरो पर, तो मेरे को यहां होल दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसका पॉइंट ऊपर रह गया, ये टाइट रह गया, कहानी पकड़ में आ गया आपको। ऐसा अब इधर आ जाते हैं, ये यहां तक जीरो आ चुका है, उम्मीद है आपको पता होगा ये जगह जीरो है, ये जीरो है, जीरो से जरा सा कम होते ही माइनस वन, तो ये सारा पॉइंट माइनस वन पे आ गया, दिख गया आपको माइनस वन, क्लियर है। अच्छा जो माइनस वन, अभी यही चीज इधर भी होगी, जो दो पर है वो दो पर ही रह गया, जो दो से कम है वो वन पर आ गया, सोच लिया, जो वन से गिरा, जो वन से गिरा वो जीरो पर आ गया, सोच लिया, गलत करो, सही है। अच्छा जो जीरो से गिरा वो माइनस वन पर आ गया, सही है। अब आपको पता था कि माइनस वन दो बार आ रहा है, नहीं है, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ग्राफ ये व्हाइट कलर की लाइन है, पिंक कलर का ग्राफ तो मिट गया। अच्छा अब ये सारा पोर्शन अगर आप देख रहे हैं तो ये माइनस वन से नीचे आ चुका है, ये जगह पे माइनस वन है, इससे नीचे आते हैं माइनस वन से कम हो गए, दिख रहे हैं, तो माइनस वन से कम होते आपकी गाड़ी कहां गिरेगी, माइनस टू पर, तो माइनस टू पे गिरेगी, तो ये जगह पे होल रहेगा और ऐसे लाइन बनेगी, सोचना, बन गया। तो ये जो ग्राफ बना ये माइनस टू बना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, टू cos x, ग्रेटेस्ट इंटीजर टू cos x माइनस वन कहां से कहां, ग्रेटेस्ट इंटीजर टू cos x माइनस वन कहां से कहां तक, माइनस वन पहली बात 5 पाई बाय 3 से नहीं, 4 पाई बाय 3 से, ये कौन सी जगह है, ये वाली जगह 3 पाई बाय 2 नहीं आया, 4 पाई बाय 3 से 3 पाई बाय 2, और माइनस वन कहां से कहां था, पाई बाय 2 से 2 पाई बाय 3 तक, नहीं आई पकड़ में। अगला ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 cos x = माइनस 2 कहां से कहां, माइनस 2 कहां से कहां, 2 पाई बाय 3 से 4 पाई बाय 3 तक, नहीं आया। अगला क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब ये क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना मैं पूछ रहा हूं ना कहां से कहां, वो थोड़ी ना पूछेगा, वो ये पूछेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 cos x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू कितना, तब आप बताओगे x बिलोंग्स टू यहां से यहां, नहीं आया। जो आप आंसर दे रहे हो ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 cos x माइनस 1, माइनस 1 के लिए किधर जाऊं, ये लाइन या ऊपर वाली, ये वाली लाइन पकड़ लो, कहां से कहां, x बिलोंग्स टू कितना, पाई बाय 3 ओपन से लेकर के पाई बाय 2 ओपन से, पाई बाय 2 ओपन से लेकर के 2 पाई बाय 3 क्लोज, सोच लिया, यूनियन दूसरी तरफ से जुड़ो, दूसरी तरफ 4 पाई बाय 3 क्लोज से लेकर के 3 पाई बाय 2, सोचा या नहीं सोचा, ऐसे आंसर देना है आपको। मैं पूछ रहा हूं आपसे कहां से कहां, वो थोड़ी ना पूछेगा देन एक्स बिलोंग्स टू, वो तो ये पूछ के चला जाएगा, नहीं यही बात, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, कहानी पकड़ में आ गई आपको।
अब आपको जितनों को समझ में आ गया, आप ये कॉपी कर लो और मुझे इसी जगह पर, ये जगह आपको ध्यान है ना पाई आपकी, ये जगह आपकी पाई बाई टू है, सही है, ये जगह जीरो है और ये जगह थ्री पाई बाई टू है, ये जगह टू पाई है। आपको मुझे बना के दिखाना है इसी में y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, सही है, बनाइए फटाफट से कॉपी भी और बनाना भी, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स इसी के नीचे, जस्ट नीचे, हो गया होगा भाई, कितने लोगों ने बना लिया, हाँ बहुत है इतना, बाकी लोगों से अभी तक पिछला वाला भी नहीं बना होगा, ऑब्वियसली एक ही मौका था सीखने का, वो भी आपने गंवा दिया। खैर आपने जब गवा दिया तो मैं क्यों छोड़ूं, है कि नहीं, मुझे उल्टा फास्ट काम करना चाहिए, कंगाल को एक और लात, सही भाई, भाई जो आत्महत्या करने जा रहा हूं उसे धक्का दे देना चाहिए, नहीं पकड़ने से मतलब ही नहीं है ना, आप पे झूल जाए आप पे और इल्जाम आ जाए, ठीक है आगे चलते हैं बोलो, और क्या, मैंने आपको टाइम दिया था, आपको करना था इन टाइम काम, और अगर बाय द वे ये काम आपको लग रहा था टाइम ज्यादा तो पहले आपको वो करना था जो आपको सीखने में आ रहा था, क्योंकि आपके पास मौका एक ही था। देखिए साहब मेरे को सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का ग्राफ बनाना था, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो पाई बाय टू पे वन है, तो जो वन है वो वन ही रहेगा, और जो वन से जरा सा भी सरका खटखट कहां जाएगा जीरो पर, तो मतलब ग्राफ ऐसा होगा, दिख रहा आपको ऐसा ग्राफ बनेगा, यहां पे होल होगा और बाकी ये जगह पर पक्का है ना जीरो पे जीरो ही रहेगा, और जो जीरो से जरा सा भी सरका माइनस वन, ठीक है ना भाई, माइनस वन यहां पे खाली, यहां पे खाली, सही है, अच्छा देख लिया आपने, तो जिनका सही है वो जानते हैं सही है ना। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं क्या करगा, ये दोनों एक के नीचे एक ही क्यों बनवाए, लॉजिक भी था एक्चुअल में, एक क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से डील हो सकता था, वरना आपको समझा समझा के मैं थक जाता, ठीक है, आप समझ समझ के थक जाते। अगर किसी ने पूछा इज इक्वल टू माइनस थ्री देन एक्स बिलोंग्स टू क्या, क्वेश्चन ये रहा। अब अपन चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए साहब जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू कोई भी नंबर दिया हो, पहली लाइन सुन ली आपने मेरी, क्या बोला मैंने, इज इक्वल टू कोई भी नंबर दिया हो, तो इसका सीधा सा मतलब दो इंटीजर मिल रहे हैं और मिलकर के वो नंबर ला रहे हैं, क्योंकि आप में से सबको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है, इंटीजर, तो ये भी कोई इंटीजर है, ये भी कोई इंटीजर है, दो इंटीजर मिलके माइनस तीन दे रहे हैं। दो इंटीजर मिलकर के माइनस तीन कब कब दे सकते हैं, बहुत सारी जगह दे सकते हैं, जैसे मैं बताऊं माइनस पांच प्लस दो, माइनस पांच प्लस दो इज इक्वल टू माइनस तीन हो सकता है, हाँ यार। लेकिन अब अगर बाय द वे आपके दिमाग में ये नंबर आता है तो खुद को रोकिए, क्यों रोकिए, क्योंकि आप इससे उम्मीद कर रहे हो कि तू माइनस पांच दे दे और साइन एक्स से उम्मीद कर रहे हो तू दो दे दे, साइन एक्स की आपको पता है ना औकात तक नहीं है एक के बाहर जाने की, सही है कि नहीं, तो इसका मतलब इसकी हैसियत ही नहीं है, ये दो तो कभी दे ही नहीं सकता, इसका मतलब हम ऐसा कोई अगड़म बगड़म नंबर ना सोचें। अब आप ये सोचिए कि क्या क्या हो सकता है, पहले ये सोचो 2 cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर नीचे से नीचे कितना आ सकता है, माइनस टू, इसकी लोएस्ट रैंक है माइनस टू, भाई माइनस पांच तो दूर दूर की बात, क्या बात, तो आपको पता होना चाहिए ये कितना दे रहा है, ये नीचे से नीचे कितना दे रहा है, माइनस टू, जिस समय ये माइनस टू दे रहा है माइनस तीन लाने के लिए पास वाले को भी माइनस वन देना होगा, क्या आपको बात समझ में आई, ओनली पॉसिबल केस, बात समझ में आई आपको, ऐसे सोचोगे कि यार इसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता, जैसे कईयों के मन में आ जाए नहीं सर इससे माइनस वन दिलवा लेते हैं, इससे टू दिलवा लेते हैं माइनस का, क्या ये माइनस टू दे देगा, लॉजिक समझ में आ गया। अब आपको वो जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां एक साथ साइमल्टेनियसली ये माइनस दो दे रहा और ये माइनस वन दे रहा हो, आओ इधर देखते हैं इस ग्राफ के अंदर, अगर आपको बताओ माइनस टू ये यहां से यहां तक में दे रहा, उसी टाइम पे मैं साइन एक्स से क्या उम्मीद कर रहा हूं, आप बताओ, मैं नीचे चलता हूं यहां जो, क्या ये माइनस वन दे रहा है, नहीं दे रहा, लेकिन इसमें यहां चलूं, यहां से हमें देखो जरा, क्या ये जब माइनस टू दे रहा है तब ये माइनस वन दे रहा है, कहां से कहां तक,
कहां से? पाई से लेकर के ये कौन सी जगह है? 4π/3। तो इसका अंदर x इज इक्वल टू पाई ओपन, सोचना क्यों? 4π/3 ओपन, सोचना क्यों? सोच लो, 4π/3 ओपन होगा या क्लोज होगा? ओपन होगा, ऊपर वाले ने ओपन करवा दिया। अच्छा, और पाई क्यों ओपन होगा? नीचे वाले ने ओपन करवा दिया। नहीं आए तो अपना आंसर हो गया कितना? पाई से लेकर के 4π/3। अब आपको कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? ये है जबरदस्त बात, आगे पॉइंट पे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं वापस मेरी बात पे रहता हूं, आप फटाफट कॉपी करें, मैं अपनी बात पे ही हूं, ठीक है। मैंने अभी आपको एक लाइन पूछी थी, ठीक है, मैंने जो बोला था वही मैंने पूछा था, बताओ मैंने क्या बोला? आपने लाइन बराबर पकड़ ली थी, अब मैं उसके और मतलब सिखा रहा हूं आपको, राइट है। एक और क्वेश्चन गा रहा हूं, आप इसको मार्क कर देना याद करके, इस जगह पे है ना, इस जगह ऐसा ऐसे मार्क कर देना, देख लो ऐसे मार्क कर देना कि ये देखो ये जगह दिख रही है आपको, ये जगह, इस दौरान ही ये काम हुआ, जब ये -2 दे रहा था, ये -2 दे रहा था और उसी टाइम पे ये -1 दे रहा था, तो -2 और -1 दोनों एक साथ इसी इस ब्रैकेट में मिले मुझे, क्लिक कर गया आपको। हाँ, मुझे इस चीज को अलग से दिखना है, मतलब मेरे को पता होना चाहिए, नहीं यार ये चीज मेरे को दिखनी चाहिए। आज से 3 महीने बाद भी मेरे नोट्स में मुझे जैसे ही मैं पेज खोलूं मेरे को क्लिक करना चाहिए कि अच्छा दोनों एक साथ उठे थे। आज तो बहुत ही ज्यादा डार्क होगा ये, लेकिन आप सोचो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा धीरे धीरे लाइट होती आएंगी बातें। लेकिन अपने को तो ऐसा नोट्स बनाने हैं जिसमें सब आ जाए, सब मैंने जो लिखवाया वो भी, जो आपने कभी अचानक से चाट पकौड़ी खाते समय भी पढ़ लिया नीचे भी, तब भी आपको स्ट्राइक कर देना, घर पे आकर लिख लिया, क्योंकि कॉपी आपके लिए दुनिया की वो जगह बन जानी चाहिए जिसके बाद आपको और किसी बुक की जरूरत ही ना पड़े, सब एक ही जगह मिल जाए, वरना आप कितनी जगह पकड़ोगे, शीट भी ये भी वो भी, ज्यादा ज्यादा दो चीजें शीट और ये, फिर बाद में आप इनको छांट दो, इंपॉर्टेंट को हाईलाइट कर दो, जो बेकार है उन्हें हटाते जाओ, कितनी तो याद ही होगी। अभी दोबारा से देखिए, मैंने दोबारा बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, ये क्या दे रहा है, दो इंटीजर मिलकर कितना दे रहे हैं? 5। मैंने कहा था जब भी दो इंटीजर मिलकर के, दो ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलकर दो कोई नंबर दे रहे हो तो आपको उसके केसेस सोचने पड़ते हैं, कैसे कौन से दो इंटीजर आ गए जो 5 दे देंगे। तो देखिए साहब, पहला केस क्या है, पहले लिखते हैं पॉसिबल केसेस, सोचते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो सोची आती हैं पॉसिबल केसेस में। ये वाली पार्टी 1 दे दे, पास वाला 4 दे दे, हो सकता है, देख लेंगे होगा कि नहीं होगा, एकदम तो कैसे आइडिया ले लें। ये हो सकता है ये वाला 2 दे दे, ये वाला भी 2 दे दे, हो सकता है ये 1+3, अरे सॉरी 1+4, अपने को कितने चाहिए? 5, 2+3 सही, मेरे को दिमाग में 4 रह गया था। हाँ भाई, या फिर ये 3 दे दे वो 2 दे दे, या फिर ये 4 दे दे वो 1 दे दे, अब बच्चे के दिमाग में ये 0 दे दे और वो 5 दे दे, ये भी तो केस एक। लेकिन सोचो ये 0 कब देगा, ये 0 तब देगा जब वो 0 देगा, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कब देगा, जब एक्स इन्फाइनाइट होता है, क्योंकि 3/∞ 0 होता है। नहीं आया? आप दिमाग लगाओ ना, आप इससे उम्मीद कर रहे हो तू 0 दे दे यार, ये 0 दे दे, नहीं आई कहानी पकड़ में? ये 0 तब देगा ना जब वो इन्फिनिट जा रहा होगा, नहीं आई बात? अब आप और भी सोचो ना, आपने सोचा कि वो 0 से 1 में हो जाए, ऐसा भी सोच सकते ना भाई, अंदर वाला 0 से 1 में चला जाए, तो 0 से 1 का मतलब वो है ना 3 से इन्फिनिट के बीच में रन करने लग जाए, फिर आप इन्फिनिट ही पहुंच रहे हो वापस, नहीं है कहानी पकड़ में? अच्छा, और दूसरी बात सोचो, आप खुद ही सोच के जवाब दो, इन्फिनिट को टच कराने के लिए आपको इसको 0 करना पड़ेगा, ऐसा सोचते हैं। देखो 3/x से आपकी उम्मीद क्या है, 0 से 1 में आ जा भाई, यही ना, अगर ये 0 से 1 में आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, ये तो उम्मीद है आपकी, नहीं आया, इसका मतलब आप उम्मीद कर रहे हो कि 3/x तू कहां से कहां में रह ले, 1 से 0 में रह ले, हाँ या ना? इसका मतलब आपकी x/3 से एक्सपेक्टेशन है कि वो 1 से इन्फिनिट में रह ले, इसका मतलब आपकी x से एक्सपेक्टेशन है वो 3 से इन्फिनिट में रह ले, अरे 3 की मल्टीप्लाई कर दी ना क्रॉस, जब आपकी x की एक्सपेक्टेशन 3 से इन्फिनिट है
तो आप जिस समय पर ये एक्स तीन से इनकरंट ले रहे होगे, पास वाला भी तो वही एक्स है, पास वाला कोई डिफरेंट एक्स थोड़ी ना है कि ये सर ये ऐसा वाला एक्स है वो ऐसा वाला एक्स है, अलग सेम एक्स है, तो वो भी तीन से इनफिनिट ही जा रहा होगा। अगर वो भी तीन से इनफिनिट जा रहा होगा तो नीचे से नीचे तीन आ रहा होगा, जब वो तीन आ रहा होगा तो चार बटा तीन 1.33 हो रहा होगा, और 1.33 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और आप कितनी उम्मीद लगा के बैठ रहे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इस वाला आपको पता लग गया ये केस पॉसिबल ही नहीं है, नहीं है। तो आप ये लॉजिक तो पकड़ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, तो मतलब ये एकदम हटाने वाला केस था, इसलिए कई लोग इसको रोक लेते हैं कि भाई ये केसेस के सिवा और सोच नहीं है। अच्छा, अब एक और बच्चे के दिमाग में ऐसा कि -1 और 6 हो जाए, ये तो कर लेते, 5 ही तो लाना है। मैंने कहा सोच, तू ये सोच रहा है कि ये नेगेटिव दे दे और उस टाइम पर यही पॉजिटिव दे दे, एक्स तो तेरा सेम ही है, नहीं आया समझ में? एक्स तो तेरे दोनों एक साथ एक ही जैसे अंदर जाएंगे, जब एक साथ अंदर जाएंगे तो 3 में डिवाइड होने के बाद नेगेटिव दे देंगे और 4 में डिवाइड होने के बाद पॉजिटिव दे देंगे, ऐसा कौन सा एक्स आ गया? नहीं है कहानी, तो ऐसा भी संभव? अब आपको पकड़ में आ गया, केसेस ऐसे सोचने थी फटाफट यही केसेस हैं। अच्छा, कुछ दिनों बाद तो आपको हैबिट ही पड़ जाएगी, जो पढ़ने वाला बच्चा उसको हैबिट ही पड़ जाती है कि अरे 4 ही केस होने हैं। अब आप वो क्या करोगे, मान लो आपने क्वेश्चन बदल दिया, यहां कर दिया आपने 5/x, यहां कर दिया 6/x, ठीक है ना, तब भी आप वो बच्चा खड़ा कटकटा कर जोलेगा ये 4 ही केस होंगे, क्योंकि तो पता बाकी सब बंडल बातें। कहानी पकड़ में आ गई? तो आपका अनुभव आपको बहुत फास्ट करता है, बशर्ते कि आप उस पर बार बार गुजरे उस जगह से, तो आपको अनुभव बनता रहता है। अच्छा, ये है कहानी। अब फिलहाल अब इस केस में आता हूं, रेडी? अब मैंने पहला केस उठाया, हटा लो ये सब। तो सब मैंने पहला केस उठा रहा हूं, पहला केस जब ये वाली पार्टी बंद दे, मतलब मेरी इच्छा क्या है, 3/x, तू क्या देने वाला है भाई? 1, और 4/x उसी टाइम पे क्या देगा भाई? कितना? 4 दे दे, ऐसा केस 1, फर्स्ट केस, सही ना? अगर मेरी इच्छा ये है तो मैं चाहता हूं 3/x अपने आप में 1 से 2 के बीच में हो, सोच लो। 4/x जब 4 देना चाहता है तो इसका मतलब वो कहानी 4 से 5 के बीच में, इसका मतलब 1/3 अपने आप में 1/2 से 1 के बीच में, सोच लो। इसका मतलब x की वैल्यू उसी टाइम पे कितनी है, 3/2 से लेकर 3 के बीच, सोचा। अब आप इधर आ जाओ, 1/4 अपने आप में कहां से कहां के बीच में, 1/5 से 1/4 के बीच में, उसी टाइम पे x की वैल्यू अपने आप में 1 से लेकर 4/5 के बीच में, सोचा नहीं सोचा? 4/5 का मतलब लगभग 0.8 होता है, याद रखना 0.8, भूल नहीं जा। तो आप चाहते हो कि x अपने आप में कहां से कहां में रह ले, 0.8 से 1 के बीच में रह ले, ऐसा यही तो चाह रहे हो? उसी टाइम पे आप x से क्या उम्मीद कर रहे हो दूसरे वाले से, 3/2 1 के आगे होता है, और 3 के बीच रह ले भाई, दोनों मिलकर के एक साथ कहीं आए क्या? इसका मतलब x इज इक्वल टू 5, कहानी पकड़ में आ गई? इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, 5 नहीं है, ठीक है, x की वैल्यू 5, कहानी लॉक हो गई, कर सकते हैं। ऐसे आप दूसरा के हिसाब बना लो, ठीक है, बस और कुछ नहीं। करें आप, हाँ जी, कितने लोगों ने बना लिया सेकंड केस बनाया, 2 और 3 वाला आंसर आया या नहीं आया? आ गया, कौन सा? इसका 2 और 3 वाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना दे रखा है, 3/x इज इक्वल टू कितना, 2, और दूसरी तरह से दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना, 4/x इज इक्वल टू कितना, 3, यही है ना भाई? इसका मतलब 3/x अपने आप में कहाँ से काम है, 2 से 3 के बीच, पक्का? और यहाँ से देखा जाए तो 4/x अपने आप में कहाँ से काम है, 3 से 4, इसका मतलब 3/x कहाँ से काम है, 3/3 1/3 से लेकर के 1/2 के बीच में, इधर से देखा जाए तो 4/x अपने आप में कहां से काम है, 1/4 से 1/3 के बीच, पक्का? अच्छा, अब जरा इधर की तरफ देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू फाइनली कितनी आने वाली है, ठीक है, नंबर लाइन पे ले लेते हैं दोनों वैल्यूज को, x/3, अभी तो अपने को x और निकालना पड़ेगा, तो x अपने आप में कहां से काम है, 1 से लेकर 3/2 में, है ना भाई? और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन x की वैल्यू दूसरे नंबर पे क्या दे रखी है, 4/3 से 4 में, x अपने आप में 1 से लेकर 4/3 में, पक्का? आओ जरा ये देखिए, 1 से लेकर 3/2 ऐसा ही होगा, और दूसरी तरह से देखा जाएगा 1 से लेकर 4/3 पहले पड़ता है भाई, सही है ना भाई, 1 से लेकर 4/3, है ना? अच्छा, फाइनली हमारे लिए आंसर कहां से काम आया, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 4/3 क्लोज, ठीक है,
एक आंसर तो यहां बना ही बना। अब क्या हम केस टू, केस थ्री, केस फोर, केस फाइव सब कर सकते हैं और बाद में सबका यूनियन कर देना, यूनियन करके आंसर दे देना। जैसे इसके अंदर तो आंसर ही नहीं आया तो इसका तो कुछ आंसर गिनना ही नहीं है, इसका आंसर आया वैसे हो सकता है किसी एक केस का और आ जाए, दोनों को यूनियन करके आंसर देने वाले हैं। आंसर समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। ये तो वह ग्रेटेस्ट इंटीजर को लेकर के हमारी तमाम बातें जो जो भी हम सोच सकते थे है ना, इस लेवल पर आकर के लगभग हमने सारी कर डाली। अगले नंबर पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है। हमारा शायद ये 11वां फंक्शन था, आते हैं पॉइंट नंबर 12 पे, राइट है, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। रेडी? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन करें चर्चा? नहीं, आइए सर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। पहला पॉइंट दिखता कैसा है, एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं ऐसे कर्ली ब्रैकेट एक्स, इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये अपने आप में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, देख लिया हमने कर्ली ब्रैकेट एक्स। जैसे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए बताया था बॉक्स एक्स, ये कर्ली ब्रैकेट एक्स है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता था, ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने लेफ्ट साइड का इंटीजर पकड़ता था, राइट है ना भाई। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स क्या करता है, सेकंड नंबर पे आ जाओ, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स गिव्स, ठीक है ना, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एक्स, जो भी आप अंदर भेजेंगे उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल देगा। उम्मीद है अब तो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू आती होगी, सुबह से दो तीन बार आप समझ चुके हैं, नहीं है? अच्छा बताइए साहब, 4.5 की फ्रैक्शनल वैल्यू बोलो, 0.5, श्योर? अच्छा मैं 4 की पूछू तो 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं। अच्छा -4 की 0। इसमें सर नेगेटिव की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते समय थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे से पूछा -4.5, तो हमारा आंसर होगा इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 0.5, तो उसे 1 में से कटा दो। जैसे मान लीजिए माइनस में 16.23 होता तो मेरा आंसर होता 1-0.23। पकड़ में आ गई बात? तो आप घटा के बोल सकते हैं, चाहे तो 1 माइनस ही बोले चाहे 1 में से घटा के बोले, क्लियर है ना बात? ये आपके फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। अच्छा अब अगले पॉइंट पे, इसे ग्राफ कैसा होता है, रेडी? आओ इसके ग्राफ पे भी बात कर लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ याद है आपको? अगर देखा तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ ऐसा सही है, 45 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ ऐसा, राइट है? इस तरह का ग्राफ होता है इसका। टॉप से टॉप कितना जा रहा होता है, 1, लेकिन इसने ऊपर हेलमेट पहने हुए, इसका मतलब 1 को टच नहीं करेगा, नीचे लेकिन 0 को टच कर रहा है। इसलिए लोग कहते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू हमेशा कहां से कहां में होती है, 0 से 1 में। कहानी पकड़ में आ गई आपको? नहीं आई? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू कहां से कहां में होती है, 0 से 1 में, सही है? अच्छा ये अगर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू है 0 से 1 में, तो आपको पता होगा यही इसकी रेंज भी है। लेकिन अगर किसी ने पूछा डोमेन कितना है, तो डोमेन इज एक्स बिलोंग्स टू आर, पूरे में फैला हुआ है, क्लियर है? अगले पॉइंट पे बता देते हैं, ठीक है। ये तो वो फ्रैक्शन पार्ट एक्स की वैल्यू रेंज, और अब अपन इसकी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है साहब, प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी, फ्रैक्शन पार्ट में जब भी इंटीजर जाएगा 0 लाएगा, फ्रैक्शन पार्ट में जब भी इंटीजर जाएगा 0 लाएगा। अभी आपने तो बताया था 4 पे 0 आ रहा है, -4 पे 0 आ रहा है, नहीं है? क्योंकि इसमें कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होती ही नहीं, इंटीजर में काहे की फ्रैक्शनल वैल्यू, तो इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा उल्टा क्वेश्चन अगर मैं क्रिएट कर डालूं कि अगर बाय द वे फ्रैक्शन पार्ट एक्स इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब समझा जाए, एक्स इज इक्वल टू, हाँ इंटीजर। उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर बाय द वे फ्रैक्शन पार्ट एक्स 0 आ रहा है तो बताओ क्या गया था अंदर, तो आपकी तरफ से जवाब आना चाहिए एक्स इज इक्वल टू इंटीजर। ये बात आपके समझ में आ गई? पॉइंट नंबर 2 पे आता हूं, सेकंड पॉइंट सुनेगा, सेकंड पॉइंट क्या है वो सुनो। अगर भाई देव किसी ने कल को फ्रैक्शनल पार्ट में x प्लस इंटीजर डाल दिया, सही है, तो पिछले वाला इसे बाहर निकाल देता था और अपना गेट बंद कर लेता था, ये कोई बाहर नहीं निकालता, ये अंदर ही अंदर खा जाता है। कहानी पकड़ में आ गई? तो फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस n इज इक्वल टू x ही रहता है, इसका मतलब आप समझ गए, फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1 या x माइनस 2 कोई पूछ ले तो इसका मतलब भी फ्रैक्शनल पार्ट x है। कहानी पकड़ में आ गई ना? अच्छा पॉइंट नंबर 3 आता हूं, पॉइंट नंबर 3 क्या है, हमने अभी भी पता करा कि फ्रैक्शनल पार्ट x जो होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। अगर आप इतने हिस्से को पकड़ते हैं तो कोई भी देख के समझ सकता है कि फ्रैक्शनल पार्ट x हमेशा पॉजिटिव होता है। कहानी पकड़ में आई? क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, नहीं है? अगर फ्रैक्शनल पार्ट x अगर ये दे रखा है तो इसका मतलब तुरंत समझना कि ये हमेशा 0 से 1 में, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, कहने की जरूरत ही नहीं, 0 से 1 है, 0 से 1 के बीच में, तो ये पॉजिटिव है। पॉइंट नंबर 4,
अब अगर भाई देवे किसी ने अगर मेरे से पूछा क्या सर फ्रैक्शन बट एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है क्या, तो मैं कहूंगा नहीं होता, फ्रैक्शन बट एक्स तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। नहीं है ये बात समझ में, क्योंकि अगर कोई मेरे से पूछता है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होता है क्या, क्या सर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होता है, तो मैं कहूंगा नहीं, एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। कहानी पता है ना, पूरी बात बोलेंगे। हाँ, उसके अंदर ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। तो अगर किसी ने भाई तो मुझे ये दे दिया कि फ्रैक्शन बाय एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि इसका मीनिंग अदरवाइज में क्या है, कि फ्रैक्शन बाय एक्स जीरो नहीं है भैया। बात समझ में आई? अगर फ्रैक्शन बाय एक्स ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, इसका मतलब फ्रैक्शन बाय एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है। अरे होना तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए था ना। अरे बिल्कुल ऐसा है ना, बहुत सिंपल से एग्जांपल भी समझा सकता हूं। आपने कभी किसी बच्चे को शैतानी में जाते हुए देखा इधर उधर? जैसे मान लो कई बार क्या होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं ना, छुपा के कुछ लेके जा रहे होते हैं, नहीं? जैसे आपने उनके लिए चॉकलेट वॉकलेट कहीं रख रखी है अपने घर में, धीरे से आएंगे चॉकलेट निकालेंगे, आपके कमरे से बाहर से जा रहे होते हैं, सही है? आप देखते ही पकड़ लेते हो कि वो छुपा के लेके जा रहे हैं, पक्का। तो आप ऐसे बोलाते ना, इधर इधर इधर, ठीक है, हाथ में क्या तेरे, कहते हैं ना अपन, आपको कैसे पता चल जाता है कि उसके हाथ में कुछ है, एक्सरे थोड़ी ना है ना, लेकिन आपके दिमाग में क्या आया, आपको पता है, जाता तो अच्छा खासा ऐसे था, आज ये एक हाथ पीछे कैसे, एक हाथ कहां रुक गया इसका, नहीं? तो आपको कैसे पता चला, वैसे ही यहां भी पता चलेगा, ये जैसे ही जा रहा था ग्रेटर देन, आपको दिमाग में यार तू होता तो इक्वल टू जीरो था, तेरे इक्वल टू किधर गया, नहीं है, होना तो तेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, तेरे इक्वल टू जीरो किधर है, तो आप क्रॉस क्वेश्चन करोगे, अच्छा तेरा इक्वल टू जीरो नहीं है, इसका मतलब एक्स अपने आप में इंटीजर नहीं ला रहा, नहीं आया समझ में? ऐसे जब हमें पूरी बात पता होती है ना, तो आधी बात का मतलब पकड़ में आ जाता है, कहता होता तो यार ये था, ये तो कोई लोचा है, सही है? अच्छा ये लोचा कहां यूज में आता है, जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा y इज इक्वल टू में लॉग फ्रैक्शन बाय x, और किसी ने पूछा इसका डोमेन बताओ, तो जैसे मेरे से कोई डोमेन पूछेगा तो मुझे पता लॉग क्या चाहेगा, लॉग की एक ही इच्छा होगी पॉजिटिव करे भाई, और जैसे ग्रेटर देन जीरो होगा आपके दिमाग में अच्छा इसके इक्वल टू जीरो नहीं है, इसका तो फ्रैक्शन बाय x इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका तो x अपने आप में r माइनस इंटीजर, आया पकड़ में? ऐसे यूज में आती है चीज, कहानी पकड़ में आ रही है नहीं आ रही? हां, आपको क्लिक करना चाहिए पॉइंट नंबर ये, ठीक है? अच्छा एक और पॉइंट, जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे से बोला कि ऐसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि किसी ने कहा y इज इक्वल टू में फ्रैक्शन बाय x प्लस में y भी हटा लेता हूं, फ्रैक्शन बाय sin x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, फाइंड x, ऐसा x बताओ जो ये दोनों का सम 2 आ जाए, तो हम उसे बोलेंगे कि देखो साहब x में आप चाहे कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है, वो रहेगा 0 से 1 में, श्योर है? अच्छा अंदर sin x भी होगा तो भी वो कहां से कहां में रहेगा, 0 से 1 में, माने दोनों मिलकर के पूरी ताकत भी लगा देंगे तो भी ज्यादा ज्यादा 0 से 2 ओपन में ही रहेंगे, और 2 ओपन में रहेंगे तो 2 को टच, इसका मतलब ये कि इक्वल टू 2 पॉसिबल ही नहीं है। कहानी पकड़ में आ गई? दुनिया में ऐसा कोई एक्स नहीं बना जिसके लिए दोनों मिलकर के 2 दे डालें, क्योंकि 2 देने के लिए दोनों को 1-1 होना पड़ेगा, और 1 ये कभी हो नहीं सकते क्योंकि रेंज अलाउ नहीं कर, नहीं है कहानी पकड़ में, है कि नहीं? तो एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया। बाकी आपकी आंखें जैसे तरस रही हैं कि छुट्टी का आनंद कब उठाएंगे अपन, वो टाइम आ गया, मैं आपको काम दे सकता हूँ इसके बाद, हाँ लेकिन बीच का ब्रेक तो लॉ क्लास के लिए अगले, कौन से टीचर है अगले? अच्छा वो टाइम पे आएगा। हाँ भाई आए, क्वेश्चन के ऊपर बात करें आज के दिन पे, आपको क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 12 दिया था, वैसे क्वेश्चन नंबर 14 और 16 भी दिया था, सही है भाई? आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी करना है आप, ठीक है, 17 भी ट्राई कर लें। ये मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम के ग्राफ अभी तक नहीं सिखाया ना, ठीक है, मैं इस पर जब बात करूंगा तब देखेंगे, ठीक है? अभी एक्सरसाइज 3 में आपको एक्सरसाइज 3 में एक तो 19th का डी कर लेना आप, 19th का डी एक्सरसाइज 3 में 19th का डी, और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 8th का सेकंड, 8 का सेकंड भी करना है आपको, सही है? अच्छा
एक आपको क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज थ्री में क्वेश्चन नंबर टू का 13 भी कर लें, 13 क्वेश्चन नंबर टू का 13 और 15 ट्राई करें भैया आज के दिन तो आप, ठीक है 15 छोड़ देना भले। अच्छा और बस कुछ नहीं आ जाए, रुकें फिर कल करते हैं अपन इसके बाद।